वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और कैसे हैं आप लोग? तो आज ये मेरा फर्स्ट इवेंट है वर्नेस स्टूडियो में, और देखते हैं कि आज यहाँ पे कैसा है। और इसकी लोकेशन है भाई क्या थी? गुड़म्बा थाना के पास में। स्कूल कौन सा था? इरम स्कूल है। हाँ, इरम स्कूल के जस्ट बगल में ही जो यहाँ कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में लास्ट फ्लोर पे वर्नेस स्टूडियो है। तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मैं पोएट्री परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। तो देखते हैं आज फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। और आइए मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ, और काफी अच्छा सेट है यहाँ का। आइए। हाय भाई, आप तो भी फर्स्ट टाइम है? बिल्कुल। व्हाट्स योर नेम? आर्य शर्मा। ये देखिए हमारे भाई आर्यन शर्मा, शेयर टू माय ब्लॉग ग्रुप। हाय हाय। कौन चैनल है? बास्केट ब्लॉगर्स। बास्केट ब्लॉगर्स, ओके। के हाय एवरीबॉडी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम दोनों लोगों का कैसे यहाँ का एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए बस अभी ओपन होने वाला है, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे वर्नेस स्टूडियो का लुक है, और ये सामने हमारा स्टेज है, और ये आयुष भैया है। बाय द वे ये यहाँ के ऑनर है आयुष भैया। तो बाकी यहाँ का आपको ये बताएंगे कि कैसा क्या रहता है यहाँ पे। तो आप भैया यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमें। भाई वननेस लखनऊ का अकेला लाइव इवेंट्स वेन्यू है। हम लोग अकेले कॉमेडी क्लब भी हैं, यहाँ रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं, और ओपन माइक्स भी हर हफ्ते होते हैं, स्टैंड अप का और पोएट्री स्टोरी टेलिंग का अलग अलग। तो अभी क्या है कि डेवलपिंग कल्चर है लखनऊ में इन चीज़ों का, तो हम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को आगे ले जाने। तो हमारे आयुष भैया भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। आप लोग भी अपना अच्छा अच्छा एफर्ट लगाइए, जिस जिसके पास जैसा भी टैलेंट है प्लीज, अगर लखनऊ से हैं आप या आसपास के हैं तो आप यहाँ विजिट जरूर करिए। और काफी अच्छा है यहाँ का, यू नो व्हाट, जब स्टार्टिंग फेज होता है तो थोड़ा सा रहता है, पर इट नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास टैलेंट है तो प्लीज मस्ट कम, वी आर हेयर फॉर वेलकम यू। सो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है आयुष भैया? हम लोग साइड पे बैठते हैं, ठीक है? ओके, आइए हम लोग यहाँ बैठते हैं, और फिर अभी स्टार्ट होगा। मैं भी चलिए, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा लिखा था कि जैसे कि होता नहीं है कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सा कोई इंसान हो, सडनली वो आपको छोड़ के चला जाए, और काफ़ी टाइम हो जाता है वो आपको फिर मिलता नहीं, इतना विचार है। तो ऐसे मोमेंट में मैं कुछ लिखा हूँ कि देखिए अटैचमेंट तो होता ही है, अगर आपको हुआ है तो उसको भी थोड़ा बहुत होगा ही, तो अगर उसने छोड़ा है तो कोई बात नहीं, पर दर्द उसको भी होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे मोमेंट में कुछ लिखा हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बुला दें, कि बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भुला देना, मेरी यादों को भी अपने जहन से मिटा देना। मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हें कोई गलत समझे, कि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हें कोई गलत समझे, तो छोड़ा मैंने है तुमने नहीं, यही बात सबको बताते कि जब कभी याद आए मेरी तो मेरी एक बात याद रखना कि देख तुम्हें तकलीफ, मुझे आज भी तकलीफ होती है, तो बस खुश रहना, अपना ख्याल रखना, बस खुश रहना। जब वो छोड़ जाता है तो होता है ना कि हमें हर छोटी बड़ी चीजें वो याद आती हैं, तो चलो दिन तो जैसे तैसे काट लेते हैं, पर रातें काटनी मुश्किल हो जाती है। हालांकि ये शायरी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। ये तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था यारों में कि लाइक दैट, मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसकी झील से प्यारी आंखें, कि उसकी झील से प्यारी आंखें, उसकी मीठी मीठी बातें हर शाम याद आती है, उसकी उल्टी सीधी बातें, कि उसकी झील से प्यारी आंखें, उसकी मीठी मीठी बातें हर शाम याद आती है, उसकी उल्टी सीधे करने, कि उसका प्यार से ही मुस्कुराना, कि उसका प्यार से ही मुस्कुराना, और मेरा हर गलती पे उसको समझाना, कि उसके जाने के बाद मुझे जो रातों को नींद आना, हाँ हर शाम याद आता है मुझे, शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा फसाना, कि उसके जाने के बाद मुझे रातों को नींद आना। ठीक है, तो ऐसा लगा यू हर किसी की बातों को दिल से ना लगाया, यू हर किसी की बातों को दिल से ना लगाया कर, गुस्सा तो ठीक है पर तू मुंह ना फुलाया कर। इस मतलब ही दुनिया में बस लोग अपने अपने ही मतलब के लिए साथ रहते हैं, किस मतलब भरी दुनिया में लोग अपने ही मतलब के लिए साथ रहते हैं, तो इन मतलब है किसी लोगों की खातिर तो अपना दिल मत दुखाया कर, और रख भरोसा उस रख पर, और रख भरोसा उस रख पर, एक रोज ऐसा भी आएगा तेरा बुरा वक्त बहुत जल्दी अच्छे वक्त में बदल जाएगा, होगी तेरे हिस्से की सारी खुशियां तेरे पास मेरे दोस्त, कि होगी तेरे हिस्से की सारी खुशियां तेरे पास मेरे दोस्त, यकीन मान ये बुरा वक्त बहुत जल्दी चल जाएगा। ऐसा ही था, मैंने इसमें भी लिखा हुआ है एक सिगरेट पे कि याद आते ही तुम्हारे में सिगरेट उठा लिया करता हूँ,
कि याद आते कि तुम्हारे में सिगरेट उठा लिया करता हूँ, कि सिगरेट के धुएं में तुम्हारी हर याद मिटा दिया करता हूँ, कि सोचा कई बार कर लूं दूसरी मोहब्बत, कि सोचा कई बार कर लूं दूसरी मोहब्बत पर आते ही अंजाम, कि याद आते ही अंजाम पहले मोहब्बत से मैं मोहब्बत छोड़ सिगरेट उठा लिया करता हूँ, हाँ ये काम मैं हर बार किया करता हूँ, हाँ ये काम मैं हर बार किया करता हूँ, कि हर शाम याद आती है तुम्हारी, कि हर शाम याद आती है तुम्हारे में उसका भी इंतजाम किया करता हूँ, कि पीकर शराब मैं सारा गम भुला देता हूँ, कि पीकर शराब मैं सारा गम भुला देता हूँ और फिर लगाकर होठों से सिगरेट पे आराम किया करता हूँ, मेरे जाने के बाद बस मुझे काम किया करता हूँ बस मेरे ठीक है लगी तो लिखा था माई डियर लव फ्रेंड, ऐसा तो कुछ कहा इफ आई सी यू सैड, इफ आई सी यू सैड आई वांट टू टेल यू दैट समडे ऑल थिंग्स विल बी ऑल राइट, If I see you in the dark, I just wanna give you my sunshine and just hold my hand and I show you how actually world is so beautiful and bright. And if you will gonna leave me, then I will gonna be so bright. But it's okay. I will understand you and my respect for you is for life. And if someday you wanna come, so just come. Don't think it twice. I will always accept you, cause I always consider you as my beautiful life. I wanna give you all my love, having kids grow old with you and wanna remove sadness from your life, cause I always consider you as my beautiful wife. Thank you so much guys, thank you so much for being here. तो फ्रेंड जैसा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी ठीक रहा, थोड़ी बहुत एरर्स रही पर यू नो फर्स्ट टाइम में कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ ख़राब भी होता है, बट इट्स ओके फाइन। तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी मेरे भाई और मेरे दोस्त लोगों के भी हैं, तो इन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आप भी बताना चाहेंगे? I was awesome, I guess, and he was awesome as well. और फिर आगे के लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।